सीजीआई चंद्रचूड ने दी बार एसोसिएशन को नसीहत, अपनी शक्तियों का नहीं करेंगे दुरुपयोग, लोगों में जाएगा गलत संदेश। पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकत जिम्मेवारी के साथ आती है, यह बात नेताओं पर तो नहीं लेकिन चीफ जस्टिस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर चीफ जस्टिस चाहे तो आदेश पारित कर सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में कोई फैसला ले सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर बार एसोसिएशन को नसीहत दी और कहा हम अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये बातें क्यों कही, क्यों कहा? हम अपने फायदे के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल वकीलों को चैम्बर बनाने के लिए, जमीन देने के लिए करेगी तो इससे गलत संदेश जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई याचिका पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई की। दरअसल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह की ओर से लगाई गई इस याचिका पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा इस मामले का न्यायिक हल निकालने की जगह बार एसोसिएशन को कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए कि सरकार से इस विषय पर बात की जाएगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने क्या कहा? बेंच ने कहा वकील हमारे संस्थान का हिस्सा है, क्या हमें अपने समुदाय की रक्षा के लिए न्यायिक निर्देशों का इस्तेमाल करना चाहिए? यह बहुत ही गलत संदेश भेजता है कि न्यायपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जमीन पाने के लिए कर रही है। आज यह जमीन है, कल कुछ और होगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर रही है। हालांकि एसबीए की ओर से उठाए गए मुद्दे को सही मानते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें चिंता नहीं है, हम इस बारे में सरकार से बात करेंगे। हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं और हम उन्हें अपनी मांगों के लिए मनाने की कोशिश कर सकते हैं। प्रशासनिक तरीके से ही हल निकलेगा, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया के लचीलेपन का एक खास फायदा है। कोर्ट में हम हार सकते हैं लेकिन प्रशासनिक स्तर पर बातचीत काफी आगे तक जाती है। वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कोर्ट में कहा कि हमारी इकलौती चिंता ये है कि मामले को किनारे न कर दिया जाए। याचिका दाखिल करने का उद्देश्य सरकार के साथ बातचीत शुरू करना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार हमारी जरूरतों को प्रशासनिक स्तर पर बहुत सावधानी से लेती है। न्यायपालिका को बिना कटौती के 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं क्योंकि केंद्र ने महसूस किया कि ये समय की जरूरत है। ये ऐसे मामले हैं जिन पर हमें लगातार सरकार के साथ जुड़ना चाहिए। क्या है मामला? अगस्त 2022 में बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर वकीलों के चैम्बर बनाने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को 1.33 एकड़ जमीन दिए जाने के निर्देश देने की मांग की थी। इससे पहले इसी साल 2 मार्च को विकास सिंह सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने पेश हुए थे और कई बार बताए जाने के बावजूद मामले की सुनवाई न होने की शिकायत की। इस दौरान वरिष्ठ वकील सिंह ने तेज आवाज में कहा था जजों के घर के बाहर वकीलों का प्रदर्शन शुरू हो सकता है, जिस पर सीजीआई ने सिंह से अपनी आवाज कम करने के लिए कहा था और चेतावनी दी थी इस तरह का व्यवहार सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। इसके बाद कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और नीरज किशन कौल ने सीजीआई से माफी मांगी। इसके बाद बार एसोसिएशन के मेंबर्स ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें दोनों वरिष्ठ वकीलों को मामले पर कमजोर करने को लेकर माफी की मांग की गई। इस मामले पर पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा वरिष्ठ वकीलों का माफी मांगना सौहार्दपूर्ण रिश्ते बनाए रखने के लिए नहीं था। मैं निवेदन करता हूं कि उनके खिलाफ प्रस्तावना पेश हो जिससे दो गुटों के बीच शत्रुता बढ़े।